आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बरघाट नाका, पुराना बरघाट नाका जिस क्षेत्र को कहते थे, उस क्षेत्र की हम दशा आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक सड़क काली चौक को जाती है, जो सामने ऑटो आ रहा है, ये ऑटो काली चौक की ओर से आ रहा है, और एक सड़क ये जो दाएं हाथ की तरफ आपको दिख रही है, ये सड़क जाती है गणेश चौक की ओर। इन दोनों सड़कों के समागम स्थल पर आप देखिए किस तरह बहुत ही खतरनाक तरीके के गड्ढे यहाँ पर हैं। यातायात पुलिस के स्टॉपर आप देख सकते हैं, इन स्टॉपर्स को यहाँ रख दिया गया है। स्टॉपर्स, यातायात पुलिस को भी इस बात की परवाह नहीं है कि उनके स्टॉपर्स का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। ये जो सीधी सड़क जा रही है आपको दिख रही है, मोती नाला होते हुए डूंडा सिवनी तक जाती है। डूंडा सिवनी के बाद ये सड़क बरघाट, बालाघाट और एक बाएं तरफ अगर आप जाएंगे तो मंडला की ओर ये सड़क चली जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह खतरनाक रूप से सड़क का एक मर्जर है, समागम किस तरह से यहाँ पर खतरनाक तरीके से, दो दो बड़े गड्ढे यहाँ दिख रहे हैं। पुलिस का स्टॉपर भी पड़ा पड़ा सड़ गया है, इस स्टॉपर को भी रख रखाव के अभाव में ये भी आड़ा पड़ा हुआ। ये देखिए दूसरा गड्ढा भी हम आपको दिखाते हैं, इसके नीचे से एक नाला जा रहा है। नगर पालिका परिषद का तकनीकी अमला, ये इसके ऊपर भी आप देखिए एक पुलिस के स्टॉपर के अवशेष दिख रहे हैं। यातायात पुलिस पता नहीं किन दीगर गैर जरूरी कामों में व्यस्त है कि उसे अपनी खुद की संपत्ति की परवाह नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट है, हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ हम आपको दिखाते हैं नगर पालिका परिषद सीमा के अंदर सड़क में थिगड़े पट्टी लगाने का काम जारी है। आपको जो हमने दिखाया वहाँ ज़्यादा ज़रूरत उन गड्ढों के ऊपर जो खुल गए हैं, नाले के ऊपर सड़क जहाँ ख़राब हो चुकी है, गड्ढे बहुत खतरनाक हो चुके हैं, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है, वहाँ पर कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट है। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ये देखिए आप, ये बरघाट क्षेत्र में सड़क की मरम्मत का कार्य चल रहा है। यहाँ गड्ढे अवश्य हो गए थे, पर जो हमने आपको अभी पहले दिखाया, जो काली चौक और गणेश चौक से आने वाली सड़कों का समागम स्थल है, वहाँ दो बहुत खतरनाक गड्ढे हो चुके हैं। उन गड्ढों में यातायात पुलिस के स्टॉपर से उसे किसी तरह लगभग बैरिकेड जैसा बनाकर रखा गया था, पर नगर पालिका परिषद के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर ये वो स्टॉपर्स भी अब सड़ गल चुके हैं। यातायात पुलिस के स्वामित्व वाली संपत्ति भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। दो स्टॉपर तो आपको हमने दिखाए कि जो अब पूरी तरह जर्जर हो गए थे, जो इनके ऊपर पड़े थे। देखा जाए तो ये मूलतः जवाबदारी यातायात पुलिस की बजाय नगर पालिका परिषद की है कि वो उस जगह पर जहाँ पर वहाँ पर अगर नगर पालिका परिषद चाहती तो लोहे की जाली या लोहे के फ्रेम बनाकर लगाए जा सकते थे। इसके साथ ही बहुत छोटा सा स्थान था, वहाँ अगर एक लेंटर कर दिया जाता या इस तरीके की कोई व्यवस्था कर दी जाती है। सड़क किस तरह जर्जर है हम आपको दिखा रहे हैं। वो जो स्थान पुराना बरघाट नाका, आज युवा पीढ़ी को शायद ही पता हो कि बरघाट नाका वहाँ हुआ करता था। देखा जाए तो लगभग दो दशकों पहले तक शहर की आबादी महज वहीं तक हुआ करती थी। वहाँ एक बरघाट नाका हुआ करता था, नॉकट्राय नाका जिसको चुंगी नाका कहा जाता था, वहाँ पर यात्री कर वसूला जाता था। ये वो स्थान हम आपको दिखाया, जो हमने आपको दिखाया, वहीं पर एक छोटा सा बगीचा भी है। नगर पालिका परिषद
के प्रशासक वर्तमान में जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग हैं, उनसे ही अपेक्षा है कि वे ही कम से कम इस मामले में संज्ञान लेते हुए नगरपालिका परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका की तकनीकी प्रभाग को इसके लिए पाबंद करेंगे कि वे इस दुर्घटना संभावित क्षेत्र को दुरुस्त किया जाए। ये जो दो गड्ढे हमने आपको दिखाए, ये आज कल के नहीं, ये सालों से ये गड्ढे वहाँ इस तरीके के दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट है। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अपने मोबाइल पर ब्राउजर को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए, यूट्यूब आपके पास होगा, यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए, सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए, इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है, इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए, दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज नन और ऑल आपको दिख रहा है, आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियां, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।